जो जिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। द पीपल इन द लद्दाख एंड लेह रीजन फॉर 6 मंथ देयर इज नो एक्सेस एंड दैट इज द रीजन दैट इवन एसेंशियल कम्युनिटीज वी कैन नॉट गिव देम एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑल सीजन टनल नाउ फॉर द कंप्लीट ईयर ऑल सीजन रोड विल बी देयर and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh at the same time our defense forces. Jojila surang Asia ki lambi surangon mein se ek hogi. 14.15 kilometer lambi surang ke nirman mein lagbhag 6,808.63 crore rupaye ki lagat aane ki ummeed hai. ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीने गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जो जिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी।